अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर डैनियल बर्ड एंड पिजन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों हम लेकर आते हैं कबूतर की पहचान, नस्ल, बीमारी के मतलब ऐसी मालूमात जो आपको ना पहले किसी ने दी हो और ना ही आपको इसके बारे में इलम हो। तो दोस्तों आज आपके लिए एक इतना ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा लेके आया हूँ जो कबूतर आजकल ये जो बारिशों बुरशों के मौसम में या वैसे मौसम जब चेंज होता है तो कबूतरों को वायरस आता है, जो बीमारियाँ पड़ती हैं जैसे कि लकवा, झोला, पोट जाम हो जाना, इस किस्म के जितने भी मसले होते हैं, आपको सस्ता तरीन और आजमाया हुआ नुस्खा एक प्यारे भाई हैं कराची के, इमरान भाई, उन्होंने हमारे साथ ये नुस्खा शेयर किया। उन्होंने कहा कि जी ये आजमाया हुआ, फिर मैंने ये ख़ुद भी आजमाया तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा ये, तो मैंने कहा कि चलो ये आपके साथ, आप सब दोस्तों के साथ शेयर होना चाहिए। तो दोस्तों नुस्खा कुछ इस तरह कैसे है, सस्ता सा नुस्खा है, कोई इतना महंगा नहीं है, कोई आपने चीज़ ख़रीद के नहीं लानी। घर में अंडे आते हैं खाने के लिए, आपने उन अंडों के सिर्फ छिलके ले लेने हैं, ये जैसे शेल हैं अंडों के, आपने ये शेल ले लेने हैं, ठीक है। अब आपके जितने कबूतर बीमार हैं या नहीं बीमार, जो भी हिसाब किताब है, आप एक ही दफ़ा बना के भी रख लेंगे तो ये काफ़ी कारामद हो जाएगा। मैंने 3 अंडे के ये छिलके लिए हैं और थोड़ा सा ये आटा है, ठीक है। आटा हम इन छिलकों के मुताबिक ही बनाएंगे कि किस तरीके से हमने ये बनाना है। तो दोस्तों वीडियो पर जाने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे अभी आप न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो दोस्तों नुस्खा नहायत ही आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आपने जस्ट ये लेने हैं छिलके, यूँ इसमें डाल दिए तीनों छिलके, आपने जितने भी आपने अंडे लिए हुए उनके छिलके ऐसे आपने ग्राइंडर में, चट्टू बट्टे में, किसी चीज़ में भी आपने डाल दिए और इनको पीस लेना आपने अच्छे तरीके से कि ये बिल्कुल पाउडर बन जाए। कोशिश करना है कि ये सूखे हुए हों अंडे, आप धूप में सुखा लें तो ये आसानी से आपको पीसे जाएंगे, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ है जो कबूतर बुट से रह जाते हैं, उनमें कोई ऐसी छोटी मोटी बीमारियां आ जाती हैं, तो वो भी आपको इसी नुस्खे से अफादा हासिल हो जाएगा। आपके कबूतर इंशाल्लाह जो बुट नहीं डालते, मादी अंडों से बंद हो जाती हैं, वो भी इनका मसला ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों एक दफ़ा आजमा लीजिएगा, ठीक है। मैंने आजमाया, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि चलो अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो मैं अपने व्यूवर्स, अपने दोस्तों के लिए भी उसी तरह की वीडियोस लेके आता हूँ जो मैंने खुद आजमाई हुई हूँ या मुझे उस पर पूरी तरह से पता हो कि हाँ जी ये नुस्खा काम करेगा और ये नुस्खा काम करता भी है, ठीक है दोस्तों। तो आपने इसको इस तरीके, अगर आपने सुखाया भी होगा तो ये जो छिलके आ रहे हैं ये बारीक बारीक से जो आ, ये आपको तंग नहीं करेंगे, आसानी से पीस जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखें जी, आपने इस तरीके से इसको बिल्कुल पीस लेना, ये पाउडर बन जाए, जब सफूफ बन जाए तब आपने इसको छोड़ना है। ये देखें ये देखो दोस्तों, ये सारा तकरीबन पाउडर बन गया, ठीक है। ये कैल्शियम, बेहतरीन कैल्शियम है ये आपके परिंदों के लिए, ठीक है। आप इसको कैल्शियम के तौर पे भी अपने परिंदों को दे सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जी आप अंडे के छिलके अपने जो आपके खुड्डे होते हैं, जो जाल होता है, उसमें डाल दिया करें, कबूतर खाएंगे तो इंशाल्लाह उसके वो कभी ना मादियाँ अंडे देने से बंद होंगी और ना ही कबूतर जो होंगे वो बुट डालने से, बुट जो बुट से बंद हो जाते हैं, यानी बुट नहीं डालते कबूतर, ये उनके लिए काफ़ी मुफीद है, ठीक है दोस्तों। आपने ऐसे ये निकाल लेना, अब तकरीबन ये एक चम्मच बन गया, ये देखें ये तकरीबन एक चम्मच बन गया। आपने एक चम्मच ही आटा लेना है, इसमें डाल देना,
कोशिश यही करनी है कि जितनी मकदार अंडे की है, अंडे के छिलके यानी जितनी मकदार में बने हैं, आपने कोशिश यही करनी है कि उतनी ही मकदार में आटा लें, यानी जितना जितने स्पून चम्मच आपके ये अंडों के छिलके के जो पाउडर बना है वो हो, उतना ही आप आटा उसमें ऐड करें। ठीक है, बस ऐसे करके आपने इसको अपने पास संभाल लेना है फ्रिज में, नहीं तो घर में। अभी तो सर्दियाँ मौसम सही है, ठीक है, ये ख़राब होने वाली चीज़ तो है नहीं, तो आपने इसको ऐसे संभाल लेना। खुदा ना खास्ता आपका परिंदा कोई भी बीमार होता है तो आपने उसको जो लकवे झोले में जा रहा हो आपका परिंदा, आपने उसको ऐसे थोड़ा सा पाउडर लेना है। ठीक है, ये पाउडर ले लिया हमने, इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और इतना नरम भी नहीं करना इसको, पानी डाल के इतना नरम भी नहीं करना कि कबूतर के हलक में ही ये घुल जाए। आपने तकरीबन इस तरह का रखना है कि कबूतर के हलक में ये घुले भी ना और आसानी से वो निगल जाए, परिंदा जो होगा आपका वो निगल जाए। खजूर के गिटक के जितनी आपने एक कैप्सूल गोली बना लेनी है, जो काला चना है ना उससे थोड़ी सी बड़ी हो और खजूर की गिटली के बराबर हो। मैंने इसमें पानी अभी डाला नहीं है तो ये काफ़ी हद तक गोली बन गई है। ठीक है, लेकिन आपने हल्का सा एक कतरा आधा कतरा पानी लाजमी इसमें डाल देना ताकि ये पकड़ कर जाए। ठीक है, आपने तीन टाइम उस परिंदे को ये गोलियां देनी है, सुबह दोपहर शाम, जो मुतासरा हो गया जो लकवे झोले में जा चुका है, आपने इस तरह की तीन गोलियां सुबह दोपहर शाम, बाकी आपने ऐसे ही छोड़ देना, तीन गोलियां बना के बाकी आपने ऐसे ही छोड़ देना। आपने इसके अंदर गोलियां, इसके ये जो आपने पाउडर बनाया है आटे का और इसके अंडों के छिलके का, आपने सारे की गोलियां नहीं बना लेनी, आपने जितनी आपको गोलियां चाहिए, दो चाहिए, चार चाहिए, तीन चाहिए, पाँच चाहिए, जितनी गोलियां चाहिए, जितने आपके परिंदे बीमार हैं आप उन सबको इस तरीके से गोलियां बना के, तो एक एक गोली सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को ये गोलियां खिलाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके परिंदे 2 से 3 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो आपके लिए, जो कबूतर लकवे झोले में आजकल जा रहे हैं। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्टें आई हुई थी, काफ़ी दोस्त परेशान थे कि जी हमारे परिंदे काफ़ी बीमार हो रहे हैं, लकवा झोला पड़ जा रहा है कबूतरों को, पोट जाम हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा नुस्खा है, ज़्यादा असर ये लकवे झोले वाले कबूतरों को करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे, जो भी आपका परिंदा लकवे झोले में जा रहा है, आप उसको ये तीन से चार दिन गोलियाँ खिलाएँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका परिंदा बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके पास हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और दोस्तों अगर आपके पास कुछ इस तरीके से आइडिए, कुछ आपको इस तरीके से कबूतर परवरी के बारे में इल्म हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें, इससे मेरा आपका और जितने न्यू कबूतर परवर शौकीन हैं या कोई पुराने भी हैं, अगर उनके पास कोई अच्छा नुस्खा उनको मिल जाता है तो वो हमें दुआओं में इंशाल्लाह ज़रूर याद रखें। तो दोस्तों इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके पास हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा।